नमस्कार दोस्तों, इंडियन आर्मी की तरफ से एक और भर्ती का ऐलान यहां पे कर दिया गया है। तो काफी ज्यादा पोस्ट हैं, जैसे कि आपको मैं बता दूं, सोल्जर ट्रेड्समैन, सोल्जर नर्सिंग असिस्टेंट, सोल्जर टेक्निकल, सोल्जर ड्रग स्टोर कीपर और सोल्जर जीडी जैसी पोस्टें आप लोगों को यहां पे मिल रही है। इसके लिए कौन अप्लाई कर सकता है, क्या क्वालिफिकेशन है, क्या एज लिमिट है, आप लोग ये पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डायरेक्ट दे रहा हूं आप सबको। और हाँ, एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि जिन लोगों को ऑनलाइन अप्लाई करना नहीं आता, तो भाई पहले आप वो सीख लो। चाहे आपकी स्टेट की भर्ती आई है या नहीं आई है, आपको ऑनलाइन अप्लाई करना आना चाहिए और रजिस्ट्रेशन करके रख लो। जैसे ही आपकी रजिस्ट्रेशन हो जाएगी, उसके बाद जब भी वैकेंसी आती है वहां से अप्लाई कर पाओगे। तो रजिस्ट्रेशन करना सबको जरूरी है। तो अगर आप लोगों को रजिस्ट्रेशन करना नहीं आती, डिस्क्रिप्शन में वीडियो दी है वो देख लो, या फिर विजिट करो ये वाले पेज पे। ये हमारी ऑफिशियल वेबसाइट samajayaka.in है, इसका लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। एक्चुअली मैं यहां पे क्या करता हूं कि शॉर्ट में जिस भी स्टेट की भर्ती आती है वो अपडेट करता रहता हूं। तो देख सकते हो काफी ज्यादा स्टेट की भर्तियां हैं जो अभी डेट हो चुकी है इनकी, और जो हो रही है वो भी मैंने डेट जो है तकरीबन आपको मिल जाएगी। जैसे राजस्थान में काफी है, तमिलनाडु में है, तो यहां पे मैं अपडेट करता रहता हूं, ठीक है। तो आप लोगों ने इस पेज पे आके ना यहां पे ये वीडियो देख लेना मेरे भाई। इस वीडियो में मैंने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना सिखाया है, अप्लाई करना भी सिखाया है, तो इस वीडियो को देख लेना। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे रहा हूं। तो बात करते हैं आज की भर्ती की, ये किस स्टेट के लिए है। इसमें हम पहले तो पोस्टें बता चुका हूं, अब हम क्वालिफिकेशन के बारे में सारी डिटेल जो है वो जानेंगे। लेकिन उससे पहले ये जानना जरूरी है कि आखिर ये किस स्टेट की है और कौन अप्लाई कर सकता है, ताकि वही लोग इंटरेस्ट देकर वीडियो को देखें। और जो लोग क्वालिफिकेशन जानना चाहते हैं वो तो बने रहिए, मैं जितनी भी यहां पे पोस्टें हैं सबकी क्वालिफिकेशन आपको समझा दूंगा एज लिमिट के साथ। तो ये जो भर्ती है राजस्थान में आई है, और इसके लिए अगर कोई अप्लाई कर पाएगा तो जयपुर की जो डिस्ट्रिक्ट है वहीं लोग अप्लाई कर पाएंगे। आप लोगों को बता दूं, बाकी डिस्ट्रिक्ट्स की भी जो राजस्थान में भर्ती है वो चल रही है। जैसे कि मैं आपको बता दूं, कुछ ही दिन मैंने पहले अपडेट किया था इसके बारे में, तो वो थी बीकानेर, हनुमानगढ़, श्री गंगानगर। तो 9 अगस्त उनकी लास्ट डेट है। इसी के साथ राजस्थान में और भी डिस्ट्रिक्ट्स की है, जैसे भरतपुर, करौली, धौलपुर, और 18 जुलाई इसकी लास्ट डेट है। तो फिलहाल पंजाब में भी चल रही है, तो यार आप विजिट करके खुद देख लेना, ठीक है। मैं बता चुका हूं, पुरानी वीडियो देख लेना। फिलहाल अगर हम बात करें यहां पे सोल्जर जनरल ड्यूटी की, तो दोस्तों आपकी एज 17.5 साल से लेके 21 साल तक यहां पे चाहिए। इसी के साथ आपका जन्म 1 अक्टूबर 1997 से लेके 1 अप्रैल 2001 के बीच में है, तो आप अप्लाई कर पाओगे। हाइट की बात करें तो 170 सेंटीमीटर चाहिए, 50 केजी का वेट, 77 सेंटीमीटर की चेस्ट चाहिए, 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन, ठीक है। तो ये बाकी पोस्टों के लिए भी यही है। अगर क्वालिफिकेशन की बात करें तो मिनिमम 10वीं पास, 45% मार्क्स होने जरूरी है, 33% आपके हर सब्जेक्ट में होने चाहिए। अगर आप 12वीं पास हैं तो फिर परसेंटेज की जरूरत नहीं है, बस आप 33% के साथ 10वीं पास किए होने चाहिए। बात करें अगर यहाँ पे सोल्जर क्लर्क, स्टोर कीपर, टेक्निकल, इन्वेंटरी मैनेजमेंट की, तो भाई आप लोगों को यहाँ पे 12वीं पास होना जरूरी है किसी भी स्ट्रीम में, 60% आपके टोटल मार्क्स जो है कुल मिला के होने चाहिए, और हर एक सब्जेक्ट में, चाहे वो इंग्लिश है, मैथ है, कुछ भी है, कॉमर्स का है, कुछ भी है, तो आपके 50% हर सब्जेक्ट में होने चाहिए, ठीक है। ये चीज याद रख लेना। और याद रखना, आप लोगों ने इंग्लिश, ये तो चलो हो ही जाएगा, इंग्लिश एंड इसके साथ मैथ हो जाए या अकाउंट हो जाए या बुककीपिंग हो जाए, इन तीनों में से एक और एक इंग्लिश, ये सब्जेक्ट भी पढ़े होने चाहिए, चाहे वो 10वीं में चाहे वो 12वीं में, किसी में भी एक में पढ़े हैं तो चल जाएंगे, लेकिन दोनों सब्जेक्टों में 50% मार्क्स होना जरूरी है। अगर कोई ज्यादा पढ़ा लिखा है तो उसको परसेंटेज की जरूरत जो है वो पड़ेगी ही पड़ेगी, कोई परसेंटेज की छूट नहीं है। दोस्तों यहाँ पे एज लिमिट 17.5 साल से लेकर 23 साल तक है, 1 अक्टूबर 1995 से लेकर 1 अप्रैल 2001 के बीच में। आपका जो हाइट है वो 162 सेंटीमीटर होनी चाहिए, बाकी चेस्ट वगैरह सेम है। सोल्जर टेक्निकल के लिए 17.5 साल लेके 23 साल, वही एज लिमिट, वही 170 सेंटीमीटर की हाइट और चेस्ट सेम है। क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपकी 12वीं पास होना बहुत जरूरी है, किसमें, साइंस स्ट्रीम में, सब्जेक्ट कौन से होने चाहिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ एंड इंग्लिश, और याद रखना ये 50% मार्क्स के साथ आपकी ओवरऑल पास होनी चाहिए, और हर सब्जेक्ट में 40% होना जरूरी है। सोल्जर नर्सिंग असिस्टेंट आर्मी मेडिकल कॉप एंड नर्सिंग असिस्टेंट रिमोट एंड वेटनरी कॉप्स के लिए एज, यहाँ पे एज लिमिट 17.5 साल से लेकर 23 साल तक है, बाकी सारा कुछ सेम है। अगर बात करें यहाँ पे क्वालिफिकेशन की, तो दोस्तों इसमें भी आपकी 12वीं होनी चाहिए, लेकिन इसमें सब्जेक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड इंग्लिश होना जरूरी है।
50% मार्क्स ओवरऑल होने चाहिए सबको मिला के और 40% हर सब्जेक्ट में होने चाहिए। अगर किसी बंदे ने यहाँ पे बीएससी डिग्री विद बोटनी जूलॉजी बायोसाइंस की है और इंग्लिश के साथ की है तो भाई यहाँ पे जो परसेंटेज मांगी जाती है 12वीं में फिर वो नहीं चाहिए होती, इस चीज का ध्यान रख लेना, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे सोल्जर ट्रेड्समैन की। दोस्तों इसमें 8वीं और 10वीं पास दोनों मांगी जाती हैं, एज लिमिट सेम होती है, लेकिन इसमें आप 10वीं के साथ भी अप्लाई कर सकते हो, अगर किसी ने आईटीआई की है तो वो भी अप्लाई कर सकता है। लेकिन इसमें याद रखना आप लोग एमएस कीपर एंड हाउस कीपर के लिए जो अप्लाई करना चाहता है वो 8वीं पास जो है होना जरूरी है, ठीक है। एमएस कीपर और हाउस कीपर के लिए अगर कोई अप्लाई करेगा तो वो 8वीं पास के साथ कर सकता है। यहाँ पे अगर बात करें कौन कौन से बोर्ड चलते हैं तो COBSE, AICTE, CBSE, NIOS जो है यहाँ पे चल जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों ये थी क्वालिफिकेशन जो आप सबको बताई है। आगे भाई अगर रिलैक्सेशन देखनी है तो यहाँ पे देख लेना, यहाँ पे रिलेशन जिसके पास होगा उसी को यहाँ पे रिलैक्सेशन मिलेगी। अगर बात करें यहाँ पे फिजिकल स्टैंडर्ड तो 60 मार्क्स मिलते हैं किसको, रनिंग में जो टाइम 5:30 में निकाल देता है। जो कोई 5:31 के ऊपर चला जाता है और तकरीबन मैक्सिमम जो है 45 ले लेगा तो उसको जो है तकरीबन 48 मार्क्स मिलते हैं। पुलअप्स की अगर बात करें, अगर आप 10 मारेंगे तो आपको 40 मार्क्स हैं, 9 मारेंगे तो 33, 8 मारेंगे तो 27, 7 मारेंगे तो 21, 6 मारेंगे तो 16। 9 फीट डिच होता है, ये बस आपने क्वालिफाई करना है, जिगजैगी जंप वगैरह होते हैं, डंडों के ऊपर चलना होता है, ज्यादा कुछ नहीं होता ये, ठीक है। अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं और क्या है, तो भाई ये जो है बोनस मार्क्स यहाँ पे सीई के देख लेना जो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, और एजुकेशन क्वालिफिकेशन मैंने बता दिया। ये कुछ डॉक्यूमेंट की लिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे दे रहे हैं, कास्ट सर्टिफिकेट, रिलीजन सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, अनमेरिड सर्टिफिकेट, रिलेशन सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, तो ये बना के आप जो है जाइएगा। डोमिसाइल सर्टिफिकेट मूल निवास भी हम इसे कहते हैं। एनसीसी सर्टिफिकेट जो है वो भी यहाँ पे चल जाएगा एबीसी का, और आप लोगों को पूरी छूट यहाँ पे मिलने वाली है। तो दोस्तों यही है डिटेल तकरीबन जो आपको बता दी है, बाकी आप सब मुझे पता है अच्छी तरह से जानते हैं। अगर आप लोगों को फिर भी कुछ जानना होगा तो कमेंट कर दीजिएगा। बाकी मिलता हूँ आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। याद रखना 30 जून 2018 से लेके 13 अगस्त 2018 के पहले पहले इसके लिए अप्लाई कर लीजिएगा। मिलता हूँ आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। समझ आया क्या?